हेयर कलर ये तो पहली बार करा रही है, तो जो कलर देखा है आपको, हाँ, और अगर स्टे, दिस इज स्टे, वेरी डिसअपॉइंटिंग। तो हम लोग बहुत बहुत खुश हो जाते हैं कि ये रील बनाएंगे। ये यस, ये मूड़ी है एंड दिस इज समथिंग मटन पाई। सो व्हाट्स अप एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। वेलकम बैक टू नैब जिंदगी। अभी टाइम हो रहा है 10:20, 10:30। हम लोग एक्चुअली सोचे थे बाय दिस टाइम हम लोग पहुंच जाएंगे जहां पे आज जाना है। तो आज का प्लान कुछ ऐसा है, आज के अभी पहले हम लोग जाएंगे सैलॉन में, क्योंकि मेरा हेयर कलर तो आप देख ही पाते हो, हल्का हल्का दिखाई देता है, ज़्यादा ब्राइट नहीं है। बट आज इंद्रानी मैम साहब बालों में कलर करवाएगी। मैं बोल रहा हूँ कि पूरे बालों में नहीं कराए, बट देखते हैं वहाँ जाके क्या डिसीजन होता है और कौन सा कलर होता है, वो आपको व्लॉग में देख जाएगा। एंड देन वहाँ से द नेक्स्ट डे स्टार्ट्स, सो आप धीरे धीरे बताएंगे। ऑटो भी मिल गया और ये केक भी ले लिया, क्योंकि आज काफ़ी लंबा टाइम शूट करना होगा, बिकॉज ऑफ विच मतलब बाहर रहना होगा, बिकॉज ऑफ विच खाने का थोड़ा टाइम इधर उधर होगा। सुबह ले लो, पहुँच गए। वेदर मस्त है भाई, पसीना दे रहा है तो उसके साथ हवा भी दे रहा है। हेयर कलर ये तो पहली बार करा रही है, तो फिर को पता नहीं कि कितना टाइम लग जाएगा, इसलिए हम थोड़ा जल्दी आए, अब हो जाए तो अच्छा, क्योंकि हमें यहाँ से बड़ानगर स्टेशन में पहुँचना है 1:30। इशिता ने बोल दिया है कि अल्टीमेटम दे दिया है, यहीं तक पहुँचना ही है, पहुँचना है। ये ब्लॉग मैं करता हूँ ना, स्क्रीन में खुद को देखती कि कैसे दिख रही है, ब्लॉग नहीं करती है। ये रेस्टोरेंट का नाम शॉर्ट्स रील्स एंड स्टोरीज ही डाल दिया है। दिस इज द एंटायर कलर पैलेट ओवर हियर। देखिए मेरा मेन कंसर्न यही है कि जस्ट वांट कि ब्लीच ना हो बालों पे। ब्लीच के इस्तेमाल करने से बाल खराब हो जाता है ना, हाँ, जैसे मेरे में हुआ है, तो आई डिडंट वांट दैट। इसमें क्या ब्लीच करा के ऐसा करना होता है कलर? ब्लीच करने के बाद ही होता है। अच्छा, विदाउट ब्लीचिंग? और ये जो कलर देख रहे हैं आप, हाँ, ये ब्लीच करके ही अच्छा लगता है ये कलर, वो आता है राइट, हाइलाइट ज्यादा होता है ये। Yes. कलर ज्यादा हाईलाइट नहीं होता है, फिर भी वॉश बहुत जल्दी वॉश आउट हो जाता है। तो मतलब हाईलाइट करके करेंगे। मेरा मतलब बात यह है कि आफ्टर दिस कलर गेट्स फेडेड, क्या मेरे जैसे बालों के कलर हो जाएंगे? वो हाईलाइट है, हाईलाइट हो जाएगा मैम का भी। सो अंडरस्टैंड दैट दिस विल बी द कलर, और अगर दैट विल स्टे, दिस विल स्टे, ये ना करा के अगर किया जाए तो कैसा नहीं होगा? वो होता है लेकिन बहुत जल्दी वॉश आउट हो जाता है, क्योंकि ये रेड शेड में आता है, ये शेड ज्यादा दिन नहीं रहता है, 5 या 6 वॉश करेंगे तो वो वॉश आउट होते। अभी तो 11:36 हो रहा है, कितना टाइम लग जाएगा फिर भी पूरा ख़त्म होते होते? 1 बजे का ना, 1 बजे तक हो जाना चाहिए निकलना होगा। तो वैसे मैं, मेरा एक और सवाल था कि ये कलर करने के बाद बालों में केराटिन कितने दिनों बाद कराया जा सकता है, अगर कलर करने के बाद? हाँ, कितने दिन बाद में केराटिन कर सकते हैं? हाँ, कलर करने के बाद? हाँ, तो केराटिन जाता है अंदर? ओह, तब तो सही है। मेरे को बहुत नींद आ रहा है, तब से मैं बस बैठा हूँ। 1 बज गया, देखो 11 बजे आई थिंक यहाँ पे आए थे। सो इट्स फाइनली डन, अभी टाइम हो रहा है 2 बज चुका है एंड वी आर रनिंग सुपर लेट, हमें गाली पड़ चुका है। तो दिस इज द न्यू लुक, फाइनल लुक जो आ रहा है। तो एक्चुअली हमें यहाँ से निकल के बड़ानगर मेट्रो में जाना होगा, बिकॉज वी नीड टू गो टू रविंद्र सदन। वहाँ पे एक कैफे में टेबल फॉर एवरीवन एक इवेंट होता है, वो होस्ट किया जा रहा है। सो वी रजिस्टर्ड एंड वी आर गोइंग देयर, एंड बहुत लेट हो चुका है, बहुत लेट ऐसा लग रहा है मेरे को। तो एक्चुअली मैं ये निशिता निर्माण एक ही साथ जाते, बट बिकॉज वी आर लेट हम लोग पहुँच गए बड़ानगर में, बिकॉज वी आर लेट वो लोग आगे निकल गए, हमें ऐसे ही जाना होगा। इसका शेड ऐसा है ना, मतलब धूप में आने से वो कलर और यस दिखा देता है अच्छे से, रात में उतना नहीं दिखेगा। कैसा लगा? अच्छा कलर किया है, मतलब मैं भी अगर कभी कलर करवाऊँ तो इन लोगों का वीडियो दिखवाऊँगा या फिर इन लोगों के पास ही करवाऊँगा, मैं सोच रहा हूँ। अच्छा अच्छा आउटपुट है, बट थिंग इज मेरा भी आउटपुट तो अच्छा ही आया था डे वन पे, कितना दिन रहेगा दैट्स द क्वेश्चन। तो लकीली अनिर्बन को ट्रेन नहीं मिला है, तो अनिर्बन हमारे साथ जाएगा, इसी तरह अगर पहलेगी हम तीनों को पहलेगी। हम लोग पहुंचने ही वाले आ गए,
द रूट्स पे, बट जाना किधर से है? उधर से, उधर से। बाप रे भाई साहब, हम लोग आ रहे थे, बीच में से एक रास्ता था क्रॉस करना था, अनिवन क्रॉस करके हम लोग नहीं क्रॉस कर पाए, उसके बाद वो खो गया, हम भी खो गए, अभी मिला है रास्ता फाइनली। वाओ मैन, क्या जगह है, लव द अरेंजमेंट। बाप रे, इस बार तो एकदम लंबा लाइन लगा दिया है ब्रो, इस बार तो एकदम लंबा लाइन लगा दिया है भाई साहब। यहाँ पे जो कलेक्शन है देखो, एक बोतल का भी नाम नहीं बोल पाऊंगा मैं। सो दिस इज द मेनू ओवर हियर, ये आप अच्छे से पढ़ लेना, हम लोग लंच नहीं करके आए थे, यहाँ पे आके अगर झालमुड़ी खाना है उछलो मत, राइट। आज थोड़ा ज्यादा उछल लिया था। सुनो, मैं तब से सोच रहा हूँ, यहाँ पे जो इतने सारे दारू का बॉटल है, इनमें से दारू कौन, बियर कौन, मेरे को नहीं पता, मेरे को लगता है पूरा ही दारू है। एक का भी नाम बता पाओगे? एक का नाम वो वाला जो है ना ऊपर, हाँ हाँ हाँ, वो मुझे रॉयल स्टैग जैसा लग रहा है। Oh, you know the name? Yes. सवास, यही काफी है। दिस इज सम कॉकटेल, ये फिर भी अच्छा है, अच्छा नहीं लगा तुम्हें? देखो दारू पी रही है हमारी लड़की, नॉट नाइस। ये मेरे को थोड़ा सही लगा। आज का मेनू नाचोस, 4 बज गए, सुबह से ब्रेकफास्ट करके निकला था, भूख से तड़प रहे हैं, ज्ञान मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा। गुड वन, नॉट स्पाइसी, बहुत अच्छा है। सो दिस इज प्रॉन, तो समझ आ रहा है ये मेरे को मटन, ये या फिर ये मटन है, और ये बीच में, अच्छा दिस इज झालमुड़ी, यस ये मुड़ी है, एंड दिस इज समथिंग मटन पाई। खाओ और बताओ कैसा है। यू स्टार्ट विद झालमुड़ी मैन, ये सबसे फीका होगा। सेम है, कैसा है मटन? अच्छा है, मटन मटन जैसा ही होगा, मटन मटन जैसा ही होगा, बट ये मैं खा के देखता हूँ, मत खाओ। आई नो, बहुत अच्छा है खाना, है ना? हाउज इट? रियली गुड। मेरे को मेनू देख के समझ आ गया था कि ये मटन और ये श्रिप, मतलब प्रॉन, इनके दोनों का खाने के लिए ये अभी खा के देखते हैं। इसके साथ का मतलब 5 बज रहे हैं, हमारा प्रोग्राम का टाइम था 3 से 5। ट्रस्ट मी, मैं इसका नाम भी अगर मैं बताया हूँ तो मैं काट दूंगा, बिकॉज कुछ ऐसी चीज़ें बतानी है आपको। इट्स अ, यू नो, इट्स एन इवेंट जहाँ पे ब्लॉगर्स क्रिएटर्स लोगों को बुलाया जाता है, एंड उनको मतलब सेलिब्रेशन और कुछ नहीं यहाँ पे। हाँ। और यहाँ पे आके जो खाना था आपने देखा है, झालमुड़ी। हम लोग यहाँ पे, हमारे पास में एक लड़की बैठी थी, शी इज़ ऑल्सो ए ब्लॉगर, तो उसने बताया कि मैं यहाँ पे, आई थिंक शी केम बाई 334 ऐसा कुछ आई थी, जो बताया कि जो वो प्लेटर में था, मेरे को लगा कि वो स्टार्टर है, तो शी वॉज वेटिंग फॉर द मेन कोर्स। और एक यहाँ पे अनलिमिटेड फूड है, एक बात है कि अगर आप लोग स्टार्टर से प्रोवाइड करोगे तो आप लोग शाम को मतलब दोपहर के टाइम में बुला के, यस, तो लंच का ही एक्सपेक्ट करेंगे। यस यस, तो ये मेरे को बहुत डिसअपॉइंटिंग लगा। एंड अनदर थिंग, ठीक है जो वो श्रिम्प एंड वो जो मटन था अच्छा लग रहा था खाने में, खाने तो पेट भराने के लिए तो और चाहिए होगा ना भैया। तो फॉर मी वन, फॉर हर वन, उसके बाद जब मांगे एक और, फॉर फ्यू, मतलब 15-20 मिनट तक बोलते रहे कि आएगा आएगा, पहले बोल रहे कि आ रहा है आ रहा है, फिर उसके बाद जब लास्ट में फिर से बोला मैं, मतलब आई थिंक आई सेड 5-7 times लास्ट में, मेरे को बोला और नहीं है, मतलब आप लोग अगर इतना लोगों को बुला रहे हो तो खाने का इंतजाम भी करके रखो। वेरी डिसअपॉइंटिंग, तो हम लोग बहुत बहुत कुछ सोचा था कि ये रील बनाएंगे, ये इतना अच्छा सेलिब्रेशन, फ्री में खाना, ये सब कुछ,
रील बनाएंगे, ये करेंगे। आई थिंक दिस इज एक्चुअली फॉर अल्कोहल ना। अरे अल्कोहल तो फिर दोपहर को क्यों बुला रहे हो लोग आके लंच पे, क्या अल्कोहल पिए कैसे? बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत डिसअपॉइंटेड है। अभी वेट करना है उन लोगों के लिए, मतलब इसी तरह नानी भाई। हम लोग अभी आ गए हैं फोरम मॉल पे। फोरम मॉल का नाम बहुत सुना था बट कभी आया नहीं था। दिस इज द फर्स्ट टाइम हम दोनों आ रहे हैं फोरम मॉल। एक्चुअली हम दोनों घर निकल जाते बट हमारे हाथ में टाइम था तो हम लोग यहाँ पे आए, तो हमने सोचा कि हमें शादी के कुछ चीज़ें यहाँ से थोड़ा देख लेते हैं कि क्या कलेक्शन है, क्योंकि पॉक्स के बाद से शादी के शॉपिंग खत्म, मतलब स्टॉप हो गया है। तो मैं अपना देखूंगा, इसका तो लगभग हो ही गया है, लगभग आधा तो हो गया, मेरा जीरो, मेरा जीरो। यहाँ पे बहुत सारा कलेक्शन तो दिख रहा है बट शादी वाला समझ नहीं आ रहा है। पसंद आ रहा है कोई भी? यहाँ से भी निकल जाएंगे बट उसके पहले थोड़ा मोमो खा रहे हैं, उसके बाद सीधा पेट्रोल पकड़ के घर जाने का ही प्लान है, और तो कुछ प्लान है नहीं। तो इसी तरह ननिर्बन दे लेफ्ट, अभी हम लोग पैदल चल के मेट्रो की तरफ जाएंगे। वैसे फोरम मॉल में मेरे को वैसे कुछ खास लगा नहीं बिकॉज यहाँ पे कुछ आउटलेट्स है ही नहीं, बट ये वॉशरूम काफ़ी सही है। वैसे एक चीज़ आज समझ में आया कि किसी भी दिन मैं जाऊंगा कि हाँ मुझे अपने रिसेप्शन के लिए, शादी के लिए ड्रेस चाहिए, मिल जाएगा दो तीन दुकान ढूंढने से, ऐसा नहीं है। इतने बड़े मॉल में मेरे को एक भी पसंद नहीं आया ऐसा कुछ। तो ये लोग बोल रहे अभी स्टॉक नहीं है, आएगा, तो पहले से ढूंढना चालू करना होगा, मेरे को समझ आ गया, यही बोल रही थी। तो इसकी बात ही मैं आपको बता रहा हूँ। पता नहीं भाई। और बाय द वे दे ऑल्सो सजेस्टेड कि अगर आपको वैसा वाला चाहिए तो आप साउथ सिटी मॉल चले जाओ, इसलिए हम लोग बहुत दिन से सोच रहे हैं साउथ सिटी जाएंगे, प्लान बन रहा है कैंसिल हो रहा है, इस बार जाना होगा, नहीं तो प्राइस पता नहीं चलेगा, डिज़ाइन समझ नहीं आएगा। एंड ऑल्सो क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हो, इट्स अ रिक्वेस्ट कि अगर आपको मतलब वेडिंग रिसेप्शन, मतलब जिसका शादी है उसी के कपड़े, मतलब मेरे कपड़े कोलकाता में कहाँ पे अच्छा मिलेगा एट ए गुड रेट, नहीं तो मान्यवर के स्टोर बहुत जगह है बट कौन सा वाला मान्यवर में स्टॉक ज़्यादा रहता है, या फिर कौन सा वैन यूसन वाला स्टोर में मेरे को मनपसंद मिलेगा, ब्लेजर, प्रिंस कोट, सूट, जो भी है, तो ये थोड़ा सजेस्ट करो कमेंट में, मेरे को हेल्प होगा। मतलब वी वांट अ पार्टी लुक, नॉट अ फॉर्मल लुक। हाँ मतलब अच्छा दिखना चाहिए, मतलब मेरे एज के लिए। हाँ। यहाँ पे जितने थे वो सब 40-50 साल के लोगों के लिए अच्छा है, या फिर ऑफिस वेयर के लिए अच्छा है। बाड़ानगर में आ गए और यहाँ पे बारिश हो रहा है, तो थोड़ा अगर मौसम चेंज हो तो अच्छा लगेगा।